ये शाम के बज रहे हैं 6:30, 6:30 बजे का ये दृश्य है। और पीछे है ये नदी, नर्मदा नदी। और देखिए ये है मूर्ति। 8 बजे आरती होगी यहाँ और 7 बजे होगा हाँ लेजर शो आपको दिखाएंगे। ये इस मूर्ति पर होगा, ये आप मूर्ति देख रहे हैं, इसी मूर्ति पर ये लेजर शो चलेगा, वो भी आपको देखने को। इसलिए ये भीड़ बैठी हुई है, बहुत भीड़ लगी है, हजारों आदमी होगा, है ना, हजारों आदमी बैठा है यहाँ पर। और कितने लोग चले आ रहे हैं देखिए, अभी तो आ रहे हैं, ये लाइन लगा के चले आ रहे हैं, बस पे बस चली आ रही है, कम से कम सैकड़ों तो बसें हैं यहाँ पर। तो लेजर शो देखेंगे आप इसी वीडियो पर, माई मिस्टेक ब्लॉग चैनल पर। यहाँ देख रहे हैं ये आलू पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ी, और जो है थोड़ी सी चाय मिलेगी यहाँ पर छोटे से कप में। ये यहाँ पर ये सुविधा है। शाम हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। ये पकौड़ी अभी यहाँ लाइट होने वाली है। ये है लेजर शो, बहुत बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, उनकी कहानी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पटेल जो सरदार के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भारत को एक संयुक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया। उनकी कहानियां और संघर्षों का एक अंश उनका ध्यान और दृढ़ संकल्प के रूप में दिखाया जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद नाम स्थल पर हुआ था। उनका व्यक्तित्व बचपन से ही प्रभावशाली था और उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया। पटेल ने अहिंसा और एकता की भावना को अपनाया, जिसे उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में देखा। उनका ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरदार सरोवर बांध है। पटेल ने इस महान परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था पानी और बिजली की उपलब्धि को सुधार कर देश के विकास को तेजी से बढ़ाना। उनका दृढ़ निश्चय, कार्य और कार्यशीलता ने इस महाकुंभ को पूरा किया है, जो आज भी भारत के विकास का एक प्रमुख स्तंभ है। पटेल जी की कहानी में उनके सहयोग जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ एकजुट होने का भी महत्व है। उन्हें एक संयुक्त भारत की रचना में अपना योगदान दिया, जिसे भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी में उनका ध्यान केंद्रित है और देश के विकास के प्रति उनका आदान प्रदान एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानियों को पार करके वे एक सशक्त, एकजुट और समृद्ध भारत की दिशा में अग्रसर हुए, जिसका असर आज भी हमारे समाज पर दिखाया गया है। सरदार पटेल उन्होंने अपनी आखिरी सांस 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में ली। देश की आजादी में सरदार पटेल का जितना योगदान था, उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आजाद भारत को एक करने में दिया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। भारत के लौह पुरुष और देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश की आजादी में सरदार पटेल जी का जितना योगदान था, उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आजाद भारत को एक करने में कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। इनमें से कई रियासत ने तो आजाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाया। आजादी के बाद जब हैदराबाद और जूनागढ़ ने भारत में
मिलने से मना कर दिया। इसके पीछे पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की चाल थी, लेकिन हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर वहां के निजाम का आत्मसमर्पण करवा लिया। वहीं जूनागढ़ में जनता के विद्रोह से घबरा कर वहाँ का जननवाब भाग कर पाकिस्तान चला गया। इसी तरह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान ने भी शर्त रख दी कि वो या तो आज़ाद रहेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे। इसके बाद सरदार पटेल की वजह से ही भोपाल के नवाब ने हार मान ली। 1 जून 1949 को भोपाल भारत का हिस्सा बन गया। 15 दिसंबर 1950 की सुबह 3 बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए। 4 घंटों बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी मांगा। मणिबेन ने उन्हें गंगा जल में शहद मिलाकर चम्मच से पिलाया। रात 9:37 पर सरदार पटेल जी ने आखिरी सांस ली। थैंक यू। ये बच्चों ने देखा और ये बच्चों ने शोर मचा के, पता नहीं कहाँ से आए सारे बच्चे, स्कूल से आए लग रहा है, किसी स्कूल के है ये बच्चे है? कहाँ से आए हो? इंदौर से। किस स्कूल से? मेडिकल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी वापस जाओगे? 27 को यहीं पर यहीं घूमोगे? सब लोग सारे कितने क्लास के बच्चे हैं ये? 6, 7, 8। अच्छा, 6, 7, 8। बहुत आए भाई बच्चे। 142। वेरी गुड। चलो फिर मिलेंगे। ये देखिए गंदगी भारत अभियान है, ये स्वच्छ भारत अभियान नहीं। देखिए यहाँ पब्लिक बैठी थी इतनी देर से इंतजार कर रही थी, और ये देखिए कितना कूड़ा कचरा पॉलीथिन आप देख रहे हैं ये, और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने है, कितनी गंदगी हो गई है। ये पॉलीथिन ओलीथिन कितना व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। और बच्चे देखिए कैसे खेल रहे हैं, ये फेंक रहे हैं बोतलों को। ये जा रही है रेलवे स्टेशन और यहाँ से निकल रहे हैं। अब लेजर शो ख़त्म हो गया है और ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए वहाँ तक लगी हुई है, और बस लग रहा है हमको अभी ये एक ही लग रही है, अभी और लगेगी लग रहा है। लास्ट 8:30 बस है यहाँ से। दोस्तों देखिए ये लेजर शो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए।